नहीं आए तो पूरे शहर को लेके हम टोरेंट के ऑफिस को ताला लगाएंगे। टोरेंट के साथ में हमारी लड़ाई कल भी थी, आज भी है और आने वाले कल भी होगी। तो अचानक 60,000 वन मंथ। रहा टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा कौसा में सबसे बड़ी समस्या टोरेंट पावर को लेकर आखिरकार अब राष्ट्रवादी पार्टी के नेता जाग गए हैं। अब उन्हें टोरेंट से हो रही जनता की परेशानी अब दिखाई दे रही है और आज टोरेंट पावर के खिलाफ एवरेज बिल को लेकर राष्ट्रवादी पार्टी के नेताओं ने आंदोलन किया। इस आंदोलन के दौरान शमीम खान और शानू पठान ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे और जो शिकायत करता है टोरेंट के खिलाफ उन्होंने क्या कहा है और टोरेंट पावर के पीआरओ चेतन बदियानी ने भी क्या कुछ कहा है हम आपको सुनाएंगे। तेज बारिश होने के बावजूद भी अमृत नगर दरगाह से टोरेंट पावर के खिलाफ आज आंदोलन की शुरुआत हो ही गई। टोरेंट पावर के आंदोलन के खिलाफ आंदोलनकारी शमीम खान, शानू पठान और नगर सेवकों ने टोरेंट पावर के इंजीनियर शेख साहब से मुलाकात की और उनसे एवरेज बिल भेजे जाने पर शिकायत की। टोरेंट पावर द्वारा जो बिल भेजा जा रहा है वो लाखों रुपए का बिल लोगों को थमा दिए जा रहे हैं। ऐसे में कई शिकायतकर्ता भी इस आंदोलन में शामिल थे। एक शिकायतकर्ता ने बताया कि सिर्फ एक महीने का 60,000 रुपये का बिजली का बिल उन्हें थमा दिया गया है। 10,000 से 12,000 रुपये की नौकरी करने वाला 60,000 रुपये का बिजली का बिल कैसे भरेगा। शमीम खान, शानू पठान ने टोरेंट पावर से मांग की है कि मुंब्रा कौसा में कैंप लगाए और टोरेंट पावर एवरेज बिल में सुधार करे। वहीं टोरेंट पावर के पीआरओ चेतन बदियानी ने भी कहा है कि जनता की जो समस्या है उसे सुनी जाएगी और टोरेंट पावर के तरफ से एवरेज बिल को सुधार करने के लिए मुंब्रा कौसा में कैंप भी लगाए जाएंगे। सबसे पहले राष्ट्रवादी पार्टी के कलवा मुंब्रा अध्यक्ष शमीम खान और नगर सेवक शानू पठान ने क्या कहा है वो भी सुनाएंगे। इनका कहना है कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो टोरेंट पर ताला लगा देंगे और शिकायतकर्ता जो टोरेंट बिल को लेकर आंदोलन कर रहे थे उन्होंने भी क्या कहा है हम आपको सुनाते हैं। तीन लोग रहते हैं सर, एसी ना फ्रिज। ये सर क्या हो रहा है हम लोग फैन कितना है, ट्यूब कितना है, वो क्या 24 घंटे नहीं चलते हैं। एक मत पता जो रीडिंग है और रीडिंग के हिसाब से लगा ना हम लोग ऐसा जानने के बाद में उनका पॉइंट है वो सब नहीं चलेगा वैसा नहीं ना है ना हर एक का वही निकल जाता वाले गरीब लोग हैं ना 2,000 रुपया भाड़ा और आपका भी आ रहा 4,000 रुपया। पूरा शहर यहाँ कोई भी बिल लेकर क्या आएगा? पूरा शहर सर आप बिल दिखाओ, पूरे शहर को बिल बिल आपने बन गया आपकी रीडिंग 19 हो गई। फिर आपकी मैं पूरी बात सुन 19 हो गई। जब लाइट गई थी भाई तो रीडिंग 2 थी और लाइट 6 बजे आई तो रीडिंग 19 हुई। तो जब लाइट ही नहीं दी आपने तो ये रीडिंग आई कहाँ से? अभी हम बोले सर अभी आप बताइए जो मीटर है वो पहले से वही मीटर है, हमने भी मीटर चेंज किए नहीं है। अगर मीटर वही है, लाइन भी वही है, अगर उसमें तो मीटर फॉल्टी है वो तो उसमें से हुआ होगा। तो अगर किसी का ऐसा इशू है तो आप हमको बताओ उस मामले में। अभी अभी हमें अभी हम लोग जो आए हैं अभी हमने मीटर भी चेंज नहीं किए। अगर वो मीटर फॉल्टी है, पुराने मीटर है फॉल्टी है तो सब चेंज कर लीजिए। उसको हम बताइए हम चेंज कर। शाइन मैडम, शाइन मैडम,
जैसा कि पहले अगर आप बोल रहे हैं कि आपने मीटर से कोई मीटर पे आ रहा, तो सर एवरेज आप उठा के देखिए, एक कंज्यूमर का 10 साल से भी आया 1200 1300 1400, और आज आपका मीटर भी वही सिस्टम चेंज हुआ तो उसका 7000 कैसे आए? आप क्या बोल रहे हो, आपका मतलब क्या है? आपने ना मीटर रिप्लेस किया ना आपने कुछ किया, तो 10 साल से जो 1200 बिल आया वो 7000 आज कैसे आ गया? सुनिए बताओ, आगे आ जाओ, ये रीडिंग चेक करे पूरा दिन से पूरे एरिया की, पूरे एरिया की चेक करें, सर मैं थोड़ा सा जो बिल दिखा दो, पूरे एरिया की रीडिंग चेक करे 15 दिन से 11323 पे बोलते हैं, जबकि मीटर लॉक में मिला 11702 तक रीडिंग चल रहा है, और ये कभी कभी 28 जून तक 20 तारीख के बाद तो लाइव वोल्टेज अपनी सोसाइटी की होती है, उसमें मीटर एसी फ्रीज वगैरह जो भी होना चाहिए, टॉरेंट वाले सुबह में 9 बजे उन्होंने काम किया, काम करने के बाद मीटर का फोटो लिया आगे कंप्लीट, मेरी इधर बात हुई 80 से, लेकिन 8 दिन के अंदर आपका मीटर है, 8 दिन के बाद मीटर नहीं आती रहती, मैडम आई थी जो, हाँ वो निकिता मैडम आई थी 1 से 5, हाँ उन्होंने भी फोटो लेके 16 तारीख को भोल जी से उनको सडनली मेरा मीटर आपका रीडिंग है, मेरा रीडिंग अभी तक चालू है, मैं बताता हूँ फोटो, लेकिन वो फॉल्टी पे फॉल्टी दिए जा रहे हैं, वो बोलते हैं उपलब्ध होंगे तो सब मेरे बिल भरे होंगे, लास्ट बोलता 3700 उपलब्ध नहीं, ये देखो ये 11303 बता, जबकि 11702 बंधा और मेरा हर दिन का बिल चल रहा है 3 से लेके 215 यूनिट तक, मैं आपको सब ये देखो क्या रीडिंग हम लोग सोसाइटी टू सोसाइटी, क्या रीडिंग हम लोग सोसाइटी टू सोसाइटी चेक कर, प्रॉब्लम क्या है सर मालूम? एक तो टोरेंट पावर के बारे में लोगों को ऑलरेडी भय भय कि टोरेंट पावर बिल बढ़ा के देता है भिवंडी की तरफ, सुन लीजिए, और हमारी हमारा विरोध है, हमारे आमदार मिनिस्टर साहब का विरोध है, हमारे अध्यक्ष सर के हम सभी लोगों का विरोध है, फिर भी आपका हमको ये भी उम्मीद थी कि मुमरा में लोड शेडिंग जीरो होगा। सुनिए ना, उसके बाद हमारे जो बिल MSEDCL की तरफ से सही आते थे मतलब गलत आते थे, आप उसको दुरुस्त करेंगे, क्या आपकी सर्विस अच्छी होगी, क्या आप प्राइवेट है, लेकिन ऐसा ना होते हुए ये लॉकडाउन में जो लोगों का बिल बढ़ेगा आप उसको सही करके दोबारा तो देंगे नहीं, क्यों नहीं? आप 25 एक आम आदमी को, अभी ये आम आदमी बराबर वो यहाँ से सर्विस करते बॉम्बे, आप उनको आपने 27,000 रुपये बिल भरा, वो 27,000 रुपये बेचारा भरते भरते मर जाएगा, वो 2,27,000 रुपये, तो हमारी ये मांगे, हम तो ऊर्जा मंत्री साहब से मिनिस्टर साहब से हमारी बात हुई है, हम ऊर्जा मंत्री साहब के पास जा रहे हैं, लेकिन टोरेंट पावर के जिम्मेदारों मालिकों से हमारी ये मांग है कि बिल दुरुस्ती का तुरंत वो कैंप लगाए प्रभाग वाइज, जैसे 5 प्रभाग वाइज मतलब 5 पैनल है तो 5 पैनल पे 5 दुरुस्ती का कैंप लगाए कि बिल दुरुस्त करके तुरंत दिया जाएगा, जब तक आप है, पहली बात तो हमारा टोरेंट का विरोध है, लेकिन हमारी आप अभी तुरंत जा नहीं सकते, कुछ प्रोसीजर है, कानून प्रोसीजर है, जो भी है वो सरकार का काम है, वो सरकार पॉलिसी, लेकिन हमारी ये मांग है कि आप जब तक यहाँ है, आप 5 प्रभाग है, 5 प्रभाग पर तुरंत फॉल्टी बिल दुरुस्त करने का टोरेंट की तरफ से आप कैंप लगाए, जगह दे, कटआउट लगाए कि मुमरा कोसा की आवाम को जिनको टोरेंट बिल का दिक्कत है वो दुरुस्ती कराने के लिए हमारे कैंप पे 3 दिन का कैंप लगा, यहाँ आइए, आपके पास हम लोग यहाँ के भीख मांगने के लिए लगे खड़े रहेंगे, हम नहीं खड़े रहेंगे, बिल दिखा सर, बिल दिखा सर, देखो इधर बैठ, इधर बैठ, बिल 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 सर कर रहा हूँ, एक मिनट एक मिनट सब बात कर रहे हैं, मेन टॉपिक की बात हो जाएगी तो हमारा काम होगा, एक मिनट सुनिए, खाली बात हम लोग को देख साहब, हाँ जी, अभी जो ये इतना ज़्यादा आई हुई है कब तक कम कर देंगे हम लोग बहुत सम्मान करते हैं हम लोग आपका, लेकिन अगर हमारी आवाम को तकलीफ होगा फिर साहब, तो आज हम लोग जो है सिर्फ आपको बात करने के लिए आए, आगे हमारा अलग अंदाज होगा, तो प्लीज आपसे विनती है, आज अभी वो थाला खड़ी है यहाँ पे, वो टीचर है, उसके घर के अंदर 3 लोग रहते हैं, उसकी मंत्री की बिल आपने दिया है 11,000
60,000 रुपए एक साल पहले पूरा क्लियर हो चुका है। ये है ना शेख साहब, ये देखिए, ये एक साल पहले क्लियर हो चुका है, एक साल के पहले। हाँ। तो और 17 मंथ का आप लोग ने ऐड करके 60,000 दिए। ये पैंडेमिक आज में मैंने पूरा भरा जो पीछे ठीक है। पहले तो यहाँ पे आने वाले कस्टमर को इंटरटेन करो और उन लोगों को क्या है क्या नहीं बैठ के बाहर बारिश नहीं दे रहे थे टोरेंट के 80,000 कंज्यूमर है और 80,000 कंज्यूमर के बाद 24,000 लोगों को फॉल्टी बिल, जो 80,000 इनके कंज्यूमर है उसमें 24,000 लोगों को फॉल्टी बिल और एवरेज बिल आ रहा है, जिससे काफ़ी हद तक लोग परेशान हैं। हमने ये कहा है कि जो आम नागरिक बिल भरना चाहता है उसको अगर आपने एवरेज बिल और क्वालिटी बिल को सुधारण नहीं किया, अब 15 दिन के अंदर आपकी कंपनी के चीफ से बात करके हर प्रभाग वाइज दुरुस्ती का कैंप नहीं लगाया, तो माननीय गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र आवाज साहब के आदेश पर मैं और अध्यक्ष जी और हमारे सभी नगर जो मिल के टोरेंट को अभी आंदोलन किया है। भारी बारिश में, तूफानी बारिश में ये आवाम आई है, ये परेशान है, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है। अगर ये नहीं आए तो पूरे शहर को लेके हम टोरेंट के ऑफिस को ताला लगाएंगे, इनको ये चेतावनी दी है। नानू भाई आगे बढ़ेंगे, सबसे बड़ा आंदोलन है नानू भाई, आपकी सत्ता में है तो आप कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते टोरेंट पे, सिर्फ आंदोलन क्यों हो रहा है? आपने जो बात किया कि हमारी गवर्नमेंट है, हम मानते हैं हमारी गवर्नमेंट है, हमारे ऊर्जा मंत्री हैं, हमारे मिनिस्टर साहब हैं, हमारे मिनिस्टर साहब ने ऊर्जा मंत्री जी से इस विषय में बात किया है, और बात ही नहीं किया है बल्कि हमारे मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि जो रीडिंग ज़्यादा आ रही है, जो फोल्डिंग मीटर्स हैं, जो ये 80,000 में 24,000 लोग परेशान हैं, ये तुरंत इसकी बिल दुरुस्ती किया जाए, और जो लॉकडाउन के पीरियड में लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल सके, लॉकडाउन की पोजीशन में लोग घर में खाना नहीं खाने को उनको वांदे थे, अपने काम धंधे लोग जा नहीं सके, ऐसे लोगों के साथ में ये जो 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 हमारा 4 महीने का जो शटडाउन का पोजीशन गया है, जो इसमें जो जहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम भी रही है उसके हिसाब से इन चीज़ों को देखते हुए, लॉकडाउन की पोजीशन को देखते हुए कम से कम 4 महीने के बिल कम किया जाए, ऐसी हम मांगनी हमारे मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र आवाज साहब ने किया है। और आज मैं शानू पठान और हमारे तमाम नगर सेवक आपके माध्यम से बात का ऐलान करते हैं, और आज हमने बात भी किया हम लोगों ने शेख साहब से यहाँ पे और सजनानी साहब से, हमारी इनसे विनती है कि आप, माना कि इनकी लाइट का सुधार हुआ है, माना कि जो पहले लाइट जाती थी 8-8 घंटा वहाँ बहुत दुरुस्ती हुई है, लेकिन हम लोग बिल को लेकर सेटिस्फाइड नहीं है, और टोरेंट के साथ में हमारी लड़ाई कल भी थी, आज भी है, और आने वाले कल भी होगी, यही मैं कहना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरे डैडी के नाम पे है शेख इकबाल नासिर, और मेरा भाई जिसका जो ओनर है, मैं तो खाली केयर टेकर रह रही हूँ, तो वो कतर में रहता है, उसको आके भी टाइम हो गया है, और मैं एक ही रूम यूज़ करती हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं दिन भर घर के बाहर रहती हूँ। मेरी एक बच्ची DY पाटिल में ये पैंडेमिक में हेल्प करने भी जा रही थी, स्टूडेंट है, वो आती थी 8 बजे, और मेरा एक बच्चा है वो मतलब क्लासेस वगैरह में, स्टिल मेरा एक महीने का 60,000 बिल आया है, और उन लोग बोल रहे हैं कि हमने 17 महीने का हिसाब से लगाया, जो कि मेरे लास्ट मंथ तक मैंने क्लियर किया। पहले एक महीने का बिल कितना आता था आपका? पहले मतलब अभी इन लोगों ने क्या किया, मैं एक ही रूम का सर यूज करती हूँ, तो मैं 1000 एंड कभी 60 आ रहा है, 1070 आ रहा है, लेकिन अचानक अभी मैं खुद होके एक सिटीजन, एक अच्छा सिटीजन करके मैंने जब देखा तो अचानक 60,000 वन मंथ, और लिखा भी उसमें मंथली, तो उसमें मैं जैसे देखा मैं आई तो लोग बोले कि तुमको भरना है इंस्टॉलमेंट पे भरो, मैं बोली मैं नहीं भर सकती, लेकिन भरना है। मीटर बगैर देखे हम लोग बिल भेजते थे, ऐसे बातें, और वो मीटर डिपार्टमेंट वाले भी आए, उन लोग ने भी मेरे टर्म्स एंड, मैं उनको जो एक्सप्लेनेशन मांगी उन्होंने मेरा नहीं क्लियर किया, ये एक साल पहले का है। और ये अभी का एक है ना सर,
तो रीडिंग है उसमें कितना रीडिंग चला है दिखा रीडिंग बहुत ज्यादा दिखा रहा है ना सर, मीटर भाग रहा है ना, भाग रहा है। जब मैं यूज नहीं कर रही हूँ तो कैसे दूं? एक पंखा यूज हो रहा है, एक ट्यूबलाइट यूज हो रही है, ज्यादा ऐसा है नहीं। और इसके ओनर रहते हैं कतर में और उनका भी मैंने लाई हुई, देखो उनका भी ये नहीं, तो जो नहीं रहते वो कतर में रहते वो भी आपके पास है। ये देखो मैं दो दिन से, ये देखो ये मेरा भाई का घर है, ये कतर में सर्वेंट है। वहीं इस आंदोलन पर हमने टोरेंट पावर के पीआरओ चेतन बदियानी से भी बात की है, सुनिए क्या कहा है उन्होंने। आज जो टोरेंट के खिलाफ जो राष्ट्रवादी पार्टी का आंदोलन था, तो इसमें इनकी मांग थी कि आप लोग जो, हाँ बिल को लेकर कि आप कैंप लगाएं और जो एक महीने का बिल जैसे किसी का 2000 है तो फिर वो 20,000 आ रहा है, तो इसको गड़बड़ी जो है ये किस तरह से आप सही करेंगे, क्या बिल लगेगा, कैंप लगेगा आपका? देखिए कैसा है, दो चीजें इसमें, एक तो आज बिलिंग जो हुआ है लॉकडाउन के पीरियड में, ये महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग यानी NERC के जो गाइडलाइंस आए थे उसके हिसाब से अपन ने बिलिंग किया। ओके, उसमें कैसा है कि लॉकडाउन के टाइम पे रीडिंग लेने में पाबंदी थी तो वो टाइम पे एवरेज का बिलिंग हुआ। उसके बाद मई के एंड में जब लॉकडाउन से थोड़ी सी रियायत मिली अपन ने रीडिंग शुरू किया, तो वो लोगों के मीटर पे जो 2 महीने की या 3 महीने की साथ में रीडिंग चली थी वो रूल्स के हिसाब से उसका बिल बना और एवरेज, उनको एवरेज का जो बिल बना था वो उनको रिवर्सल दिया गया। और यही जो गाइडलाइंस है पूरे महाराष्ट्र में फॉलो हुए थे, इसलिए आपने देखा होगा कि पूरे महाराष्ट्र में आजकल ये चर्चा, बिल का विषय चर्चा बना हुआ है, क्योंकि कैसा है लोगों के रीडिंग के 2-2, 3-3 महीने के बिल एक साथ आए और एवरेज जो लिया गया था वो ठंडी के दिनों का एवरेज था, तो उस वजह से वो उनको थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा की साइड में सबको आया हुआ, उसमें मैं भी आ गया आप भी आ गए। लेकिन अभी उसमें चर्चा चल रही है, क्या ऊपर से सरकार से किसी से कुछ आता है वो देखते हैं, बट जहां तक लोगों को कैंप या लोगों को बिल समझा के उसमें अगर कुछ दुरुस्ती की जरूरत है, कहीं पे रीडिंग नहीं हुआ है, वो तो अपने इधर से अपने कस्टमर केयर में चालू है, इन्होंने आज कैंप के लिए बोला है, तो कैंप भी आते दिनों में अपन पक्का करेंगे। लोगों को बिल समझाना ये अपना काम है और उसमें जहाँ पे भी रीडिंग लेके दुरुस्ती की अगर कुछ जरूरत है तो वो भी किया तरफ से किया जाएगा। एक शिकायत करता से भी हमने बात की है तो उनका कहना है कि हमने पूरा मंथली बिल जमा किया है, पे किया है, लेकिन उनका एक महीने का बिल जो है 60,000 रुपए आया, तो सर ये कैसे मुमकिन हुआ है? वैसे तो वो अभी उसका सर्विस नंबर, और उनका कहना है कि जो है हम जो है इसको भरने के लिए कहा गया कि आप भरिए, अगर आपके मीटर का जांच होगा, अगर कुछ फॉल्ट है तो फिर आपको दिया जाएगा रिफंड पैसे, लेकिन आपको भरना ही है। नहीं देखिए, ये घर का बिल है या किस चीज का बिल है? घर का बिल है, तो वो मेरे को सर्विस नंबर देखना पड़ेगा। इसमें एक ही चीज ये हो सकती है कि इसके पहले का अगर उसका सारा एवरेज बिलिंग हुआ हो 3-4-5 महीने का, रीडिंग हुई नहीं हो और अभी अगर रीडिंग का एक साथ आया हो तो वो, बट उसको जांच करने की जरूरत है, मीटर उसका तपासने की जरूरत है, क्योंकि घर का 60,000 अगर आया है तो वो केस को देखे बगैर मेरे तरफ से कुछ बोलना वो ठीक नहीं होगा। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप उनको जानते हैं ना तो उनका सर्विस नंबर लेके मेरे को भेजिए, तो एक बार मैं भी चेक कराऊं किसी को भेज के कि नहीं इसका क्या रिक्वेस्ट है। यहाँ पे दुरुस्ती है वो करना अपना काम है इस्लाम भाई। तो अपन देखो कैसा है, आते दिनों में थोड़ा सा प्लानिंग करके हर जगह पे जहां लोगों के हेल्थ के लिए कैंप लगाना है लगाएंगे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी कि टोरेंट पावर के खिलाफ अब राष्ट्रवादी पार्टी के नेता जाग गए हैं और आज जनता की समस्या को लेकर ये आंदोलन भी किए। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम।